अश्वत्थामा बलिव्यासु हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः सप्तेतान् संस्मरणित्यं माकण्डेयं थाष्टमम् जीवित वर्षस्तम सोपि सर्व व्याधि विवर्जित। इस श्लोक की पहली दो पंक्तियों के अनुसार अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये सात चिरंजीवी है। इसके बाद अगली पंक्तियों का अर्थ यह है कि इन सात के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। अश्वत्थामा बलिव्यासु हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः सप्तेतान् संस्मरणित्यं माकण्डेयं थाष्टमम् जीवित वर्षस्तम सोपि सर्व व्याधि विवर्जित। इस श्लोक की पहली दो पंक्तियों के अनुसार अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये सात चिरंजीवी हैं। इसके बाद अगली पंक्तियों का अर्थ यह है कि इन सात के साथ ही माकण्डेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है।